welcome back. I'm Master Janeen Kaysar from Superior Institute of Chinese Martial Arts Pakistan. आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर आप पर कोई पंच करता है और आप उसको काउंटर करते हैं और आपका काउंटर रोक लिया जाता है तो आप उससे कैसे बचकर अपने आप को बचाएंगे और दोबारा काउंटर करेंगे और हिट करेंगे। सपोज आप पे पंच आता है, आप उसको ग्रिप कर लेते हैं, काउंटर में आप करते हैं और आपका पंच पकड़ लिया जाता है तो आप उसको छुड़ा नहीं सकते। देन आपने उसको हिट एंड देन फेस पे, नेक पे पंच कर सकते हैं। इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप पे कोई पंच करता है, आप उसको ग्रिप करते हैं, काउंटर में आप पंच करते हैं, आपके हाथ पकड़े जाते हैं तो आप उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं छूटता। इस हाथ को आपने दूर फेंकना है ताकि अगर आप इस पर हिट करने जाते हैं तो वो अगर आप हिट करते हैं तो आप उसको ब्लॉक कर सकते नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ फेंक के ये पावरफुल अटैक एंड देन फेस पे आप हिट कर देते हैं। दूसरे एंगल से, दूसरी साइड से आपको दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आप पे कोई पंच करता है, आप उसको ब्लॉक करके ग्रिप कर लेते हैं, आप पंच करते हैं, आपके हाथ को इसी तरीके से रोक लिया जाता है तो आप कैसे उससे छुड़ाते हैं। आपने उसको मूव किया एंड देन इस हाथ को दूर फेंकना है यहाँ से ताकि आप इसको यहाँ हिट करते हो और अगर आपको काउंटर आ जाता है तो आप रोक सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से इसको पंच, ये आपने हिट देन ऑन द फेस। बहुत ही इफेक्टिव और सिंपल टेक्निक है। दोबारा आपको दिखा देते हैं कि आपने इसको कैसे यूज करना है। अगर कोई आपको पंच करता है, आप ब्लॉक करते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्पेशली रिमेंबर अबाउट योर फुटवर्क कि जब भी आप पे अटैक होता है तो आपने उसके रेंज से निकलते हुए, उसके सेंटर लाइन से निकलते हुए उसके रेंज में नहीं रहना। अगर आप रेंज से नहीं निकलते तो पंच आपको ब्लॉक के बावजूद भी हिट हो जाता है। आपने सेंटर लाइन से भी निकलना है और उसके पंच की रेंज से निकलना है। देन आप उसको पंच करते हैं और वो आपको ग्रिप अगर कर लेता है देन आप उसको पुश एंड हिट अटैक ऑन फेस। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।